क्या आप भी दोस्तों के ताने से परेशान हैं कि गोवा का ट्रिप इतने सालों से बन क्यों नहीं रहा है, या आपकी बीवी ताने मारती है कि ये आदमी घुमाने नहीं लेके जाता? तो आपके लिए है ये वीडियो, क्योंकि इसके अंदर आप गोवा में जा सकते हैं 300 रुपए में, ऊटी में जाएंगे 300 रुपए में, और मुंबई भी जा सकते हैं, मुंबई भी, उदयपुर भी जा सकते हैं, गंगटोक भी, पोर्ट ब्लेयर भी, जहां आपको जाना है वहां आप जा सकते हैं मात्र 300 से 400 रुपए के अंदर। आपको एसी डिलक्स डबल रूम उनके गेस्ट भी इनके नाम पे जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा रोकड़ा ज्यादा लगेगा। तो स्पेशली जो है आपको जाना किस पे है, ई संपदा एक वेबसाइट है जो गवर्नमेंट की तरफ से बनाई गई है। सिंपली आप गूगल पे सर्च मारेंगे ई संपदा तो आ जाएगी वेबसाइट, उसके ऊपर आप रजिस्ट्रेशन कीजिए सबसे पहले, एंड उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए होगी आपकी फोटो जो कि 50 KB से कम हो, देन उसके बाद में उसके अंदर लगेगी आपकी एक तो पे स्लिप जो 400 KB से कम हो पीडीएफ फॉर्म में, देन लगेगा आपका ज्वाइनिंग ऑर्डर वो भी 400 KB से कम होना चाहिए पीडीएफ फॉर्म, पीडीएफ फॉर्म के अंदर, एंड लास्ट जो आपका जो ऑर्डर जिस स्टेशन पे है अगर वो भी आप लगा देंगे तो वो भी बेस्ट जिस सिटी में हो आप, जो भी आपका लास्ट ऑर्डर निकला होगा ट्रांसफर का, अगर आप स्टार्टिंग में जो आपका था वही है तो आप वही डाल सकते हो। तो ये सब चीजें सिंपली रिक्वायरमेंट्स हैं जो वेबसाइट पे जब आप अकाउंट बनाएंगे तो वो आपको लगेंगी। तो आइए दिखाते हैं आपको कैसे दिखाते हैं कि ऊपर कैसे कैसे कौन कौन से होटल्स आप बुक कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपको लॉगिन कैसे करना है। तो लॉगिन करने के लिए पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आपको सिंपली गूगल पे डाकर ई संपदा लिखना है। ई संपदा लिखने के बाद आपको ये खुल जाएगा, ये पहले लिंक पे क्लिक करोगे आप तो ऐसी एक वेबसाइट खुलेगी, वो बहुत सारे ऑप्शन देता है। यहाँ करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको, बिकॉज आपने तो अभी साइन इन भी नहीं किया तो आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के लिए आपको अपना नेम, DOB, कहाँ की सिटी में पोस्टेड हो, आपका पैन नंबर, आपका मेल ID, आपका मोबाइल नंबर सभी डालने के बाद OTP आएगा, मेल पे भी आएगा, मोबाइल नंबर पे भी आएगा, वो वेरीफाई हो जाएगा, वो सबमिट करोगे तो आप ऑटोमेटिकली आप रजिस्टर हो जाओगे। रजिस्टर करने के बाद आप सिंपली जाओगे उसी पेज पे, आप जब लॉगिन करोगे तो ऐसे आपके सामने एक पूरा पेज खुल के आएगा। ये एक्चुअली आपको ये ऑप्शंस नहीं दिखाएगा वो, इससे पहले आपको जब आपका ये जो डैशबोर्ड रहेगा यहाँ पर आपका सिर्फ नाम लिखा हुआ आएगा, फोटो भी लगी आएगी, वहाँ पर जब आप इस डैशबोर्ड पर क्लिक करोगे तो आपसे वो और इन्फॉर्मेशन पूछेगा जो हमने आपको वीडियो के अंदर बताया है। तो आपकी वो सैलरी स्लिप हो गया, आपका आपका ऑर्डर हो गया, आपका लास्ट ऑर्डर हो गया, उसके अलावा आप किस सिटी में पोस्टेड हो, वो आपसे वापस इन्फॉर्मेशन मांगेगा। वो जैसे ही आप सबमिट कर दोगे तो ये पूरा आपके पास खुल जाएगा। इसमें अगर आप इंटाइटलमेंट में अगर हम जाए कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्या मिल सकता है, इस पर आप क्लिक करोगे तो सब आ जाएगा कि आप अगर लेवल 1 में हो तो आपको कितने कितने, आप किस पे ग्रेड में हो तो आपको कौन सा रूम मिलेगा, अगर आप लेवल 2 में हो तो आपको क्या मिलेगा, लेवल 6 में हो तो क्या मिलेगा, सेम चीज़ अगर आप लेवल 6 में हो तो या 42 है उससे ज़्यादा हो तो आपको सिंगल सूट विदाउट किचन मिलेगा। तो पूरा आपको रूल इसके अंदर रेगुलेशन मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें इनके रेट चेक करने की, भाई किस में कितना रेट लगता है, तो वो हम जी नो योर लोकेशंस, ये आपकी पूरी लोकेशन आ जाएंगी किसी जगह पर ये अवेलेबल है, ये आप देख सकते हो। और वैसे ही अगर आपको अपना टैरिफ जानना है तो ये उन्होंने अपनी जो सिटीज़ हैं उनको ए और बी और सी में डिवाइड कर रखा है, ये लिस्ट दे रखी है ऊपर आप देख सकते हो। बाकी जो ए है आप यहाँ देखना, एक चीज़ नोट करने वाली है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जहाँ 900 रुपये है वही स्टेट गवर्नमेंट के लिए वो 1800 रुपये है, और प्राइवेट मतलब आप गेस्ट के लिए करोगे तो वो 3 गुना हो जाएगा, 2700 हो जाएगा। सिंपली आपको यहाँ पर चेक करना है हॉलीडे होम गेस्ट, इस पर आप क्लिक करोगे तो ये खुल जाएगा। अगर आपको अवेलेबिलिटी चेक करनी है, हम सीधा बुक करने पे क्लिक करते हैं, बुक नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे पहले विजिट पूछेगा, आपसे तो पर्सनल विजिट बोलते हैं, तो पूछेगा आप खुद जा रहे हो, भाई गेस्ट के लिए तो बुक नहीं कर रहे, तो यस करोगे तो आपसे यहाँ पर आपकी ID मांगेगा, वो ID अपलोड करने के बाद आपको पेमेंट करेगा, पेमेंट करने के बाद आपका एक नंबर जनरेट हो जाएगा जो आपके मोबाइल नंबर पर आ जाएगा, उसी को आप लेके जाना है। इस लास्ट में से टिकट एक ई टिकट बनेगी, मतलब ई जो प्रिंट है उसको आप सॉफ्ट कॉपी में अपने साथ कैरी कर सकते हो। अगर रूम अवेलेबिलिटी चेक करनी है तो हम इस पर क्लिक करेंगे। अगर हम बात करें, हम सेंट्रल इसमें लिखते हैं कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं। अगर हम बात करें कि कहाँ जाना चाहोगे, पोर्ट ब्लेयर चेक करते हैं, पोर्ट ब्लेयर चेक करेंगे, रूम का टाइप अगर हम VIP सूट की बात करते हैं, और हम चलते हैं कि हम जुलाई में चलेंगे घूमने के लिए, जुलाई में 19 तारीख को चलते हैं, चलो सामने 19 ही आई है, तो ये दिखा दिया इसने कि एक रूम अवेलेबल है। कौन सा रूम अवेलेबल है, 206 नंबर रूम अवेलेबल है। अब कुछ लोगों को ये भी डाउट रहता है कि ये कैसे रहेंगे, अच्छे रहेंगे नहीं रहेंगे, तो आप अगर आपको चेक करना है कि ये रूम्स कैसे हैं तो आप सिंपली आप चेक कर सकते हैं। जैसे अगर हम जयपुर की बात करें, जैसे यहाँ जयपुर को चेक करते हैं, जयपुर वाले का क्या नाम है, तो जयपुर गेस्ट हाउस या इंस्पेक्शन बंगलो है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं हम कि वो कैसा दिखते हैं अंदर से, जयपुर, इस पर क्लिक करोगे तो देखो ये आ गया,
तो ये CPWD की होते हैं यूजली, तो CPWD इंस्पेक्शन बंगलो, यहाँ पर इसकी क्या फोटोग्राफ्स हैं वो आप चेक कर सकते हो, रूम्स कैसे हैं वो आप देख सकते हो, वॉशरूम्स कैसे हैं, कुछ जगहों पे बहुत अच्छे अच्छे भी अवेलेबल हैं। वैसे अगर हम उदयपुर की बात करें, पर उदयपुर का चेक करते हैं, यूजुअली लोग यहाँ घूमने के लिए जाते हैं इस टाइम पे, तो उदयपुर हॉलीडे होम नाम है इसका, सर्च करते हैं उदयपुर हॉलीडे होम। लास्ट टाइम का था ये CPWD का था, इस पर हम CPWD लिखते हैं, ये आ गया। फोटोज पे क्लिक करेंगे तो आप फोटोज खुल जाएंगी, तो आप देख सकते हो फोटोज कैसी हैं, मतलब दाल बाटी चूरमा भी है, तो आप देख सकते हो कैसी रूम है, आई थिंक ये हॉलीडे होम है। तो ऐसे सिंपली आप जाके रजिस्टर कर सकते हो, कितना पैसा लग रहा है वो चेक कर सकते हो, आप रेट चेक कर सकते हो यहाँ पर चेक करके, पर्सनल विज़िट कर दो, एप्लीकेंट का करना है आपको, सेंट्रल गवर्नमेंट हो आप, रूम टाइप छोड़ दो, यहाँ पे आपको कहाँ जाना है मैं चेक करता हूँ। अपने भी उदयपुर का चेक किया, उदयपुर में जाते हैं अपन, उदयपुर, उदयपुर हॉलीडे होम, रूम टाइप, मैं अगर डबल बेड की बात करता हूँ तो डबल बेड कितने का, 330 रुपये का है। वैसे VIP सूट कितने का है, 900 रुपये का है। अगर हम बात करें 4 बेड तो 430 रुपीज़ का, तो बहुत अच्छी एक वो है। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है, थैंक यू वेरी मच। अगर आप इस गर्मी में अगर प्लान कर रहे हैं घूमने के लिए तो डेफिनेटली इसको आप ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।